नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपसे एक सकुलेंट प्लांट पत्थर चट्टा के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, जिसका कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे पहले मैं आपसे कुछ और बात कर लूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, बरसात का मौसम और स्प्रिंग सीज़न जो कि फरवरी और मार्च का मौसम होता है, प्लांट्स की कटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया मौसम होता है। बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस मौसम में, जो स्प्रिंग में और बरसात में जो हम कटिंग लगाते हैं, वो उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो रूट्स बनती हैं वो जल्दी बनती हैं। बट अगर आप इस सीज़न में भी कुछ कटिंग लगा रहे हो तो आपकी वो चल सकती हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने गुलाब की कटिंग लगाई थी तो उसमें मेरे रूट्स बन गई हैं, और मैंने बोगनवेलिया का भी, जो कटिंग का जो मौसम नहीं था तो उसके बगैर जब मैंने लगाई तो उसकी भी ग्रोथ मेरे बहुत अच्छी हो रही है। तो ये मैंने कुछ दिन पहले अपनी फ्रेंड के जहाँ से एक, मैं ये उसकी चार कटिंग लगाई लाई थी मैं, ये फाइकस की, तो इसका बोनसाई बनता है, तो इसकी ग्रोथ मैं देख रही हूँ कि ऐसे ही लाई थी तो ये नई पत्ती ये निकल रही है इसमें, ये देखिए आप, ये न्यू लीव आ रही है इसमें। तो फाइकस की आप किसी भी तरह की कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही लगा दी थी। तो ये देखें, इसकी रूट्स बन गई हैं, ये मिट्टी के बीच में, ये देख रहे हैं आप, ये रूट्स इसकी बन गई हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहन जो फाइकस का की कटिंग लगाना चाहते हैं, बोनसाई के लिए तैयार करना चाहते हैं, जहाँ बड़े पॉट में लगाना चाहते हैं, तो वो इसको इजीली ऐसे ही लगा सकते हैं, ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो इसकी कोई पत्ती सूखी भी नहीं है। कई बार होता है कि हम कटिंग लगाते हैं, पुरानी लीव्स सूख जाती हैं, इसकी कोई भी नहीं सूखी, सारी फ्रेश की फ्रेश है, और ये एक नई पत्ती भी आ गई। तो ये इसकी रही। और मैंने एक वीडियो कुछ टाइम पहले जो बनाया था कि पलाख का प्लांट, उसको कैसे, जो मैंने सिंगल लीफ से तैयार किया था तो उसको ग्रो करना, तो उसमें मैंने दिखाई थी आपको, तो ये मैं दिखा रही हूँ। इसमें मैंने मिट्टी भी नहीं डाली थी। तो इसकी एक ब्रांच मैं तोड़ के ले गई थी छत पे, और उसमें मैंने पत्ती निकाल के उसमें से दिखाया था कि किस तरह से उसको सिंगल लीफ को ग्रो करना है। तो ये मैंने ऐसे ही इसमें ऐसे ही रख दी थी। तो मैं आज ये देख रही थी कि इसमें भी ये रूट्स बन गई हैं। मैंने तो सोचा था कुछ भी नहीं होगा, ये मिट्टी इसकी मॉइस्ट थी, मिट्टी भी ये देखिए ज़्यादा नहीं है। और ये मैं खींचने लगी थी तो इसमें भी ये देखो रूट्स बन गई हैं, ये देखिए अभी, ये लोग कितने दिन हुए, ये छोटे 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 छोटे, ये देख रहे हैं आप, ये रूट्स आ रहे हैं इसमें। तो ये तो मैंने ऐसे ही मिट्टी में रख दी थी, तो ये रूट्स देखो बन रही इसकी। तो इसलिए आपका जो मन करता है, आप किसी भी तरह की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप लगा दीजिए। अगर वो होती है तो भी ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर फरवरी मार्च तो जल्दी आ ही रहा है, और उसके बाद फिर बरसात भी आएगी, तो आप फिर भी लगा लेना बाकी कटिंग, और जितनी चल जाएंगी ठीक है, और अगर नहीं चलती हैं तो भी ठीक है। तो ये फाइकस की तो मुझे तो फिर यही एक्सपीरियंस हुआ कि ये किसी भी मौसम में जब मर्जी इसको लगा लो, ये बड़े आराम से हो जाती है। तो ये रही जो मेरे भाई बहन मेरे को पूछ रहे थे कि हम इस मौसम में ये कटिंग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। आपका जो मन करे, चाहे बोगनविलिया लगाने का, चाहे कनेर लगाने का, चाहे तो आप गुड़हल की कटिंग लगाइए, किसी भी तरह की, चाहे कोलियस की लगाइए, जो आपका मन करता है आप लगा दीजिए, और उनकी अच्छे से केयर करिए, और कुछ दिनों के बाद वो आपकी जो जितनी भी कटिंग्स होगी वो सक्सेसफुल होंगी, उनमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं तो होप ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो जितनी भी सारी कटिंग लगाई है सब ये इनमें रूट्स बन गई हैं।
तो ये रहा कटिंग वाली बात, क्योंकि मेरे बड़े भाई बहन बहुत बारी मेरे से पूछ रहे थे, मैंने सोचा आज मैं इसको इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी। तो हम कहाँ पहुँचे थे इस प्लांट के बारे में, ये जो हमारा पत्थर चट्टा प्लांट है ये एक मेडिसिनल प्लांट है, आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और गठिया के जो पेशेंट होते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि हड्डियों के जो ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, स्किन रेड हो जाती है, उनमें बहुत दर्द रहता है। तो अगर इसकी पत्ती को हम थोड़ा सा हल्का गर्म करके ऊपर बांध देते हैं, तो ये जो इसकी पत्ती है वो पेन किलर का काम करती है। उनको गठिया के पेशेंट्स को जो दर्द होती है, जोड़ों में दर्दें रहती हैं, उनसे उनको बड़ा आराम मिलता है। और आयुर्वेद में ये माना गया है कि किसी भी तरह का अगर मूत्र संबंधी रोग हो, पेशाब संबंधी रोग हो, किसी भी तरह का, अगर हम इसके पत्ते का नियमित सेवन करते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और अगर किसी भी तरह के पथरी हो शरीर में, वैसे तो किडनी स्टोन के लिए लोग इसे बहुत ही रामबाण मानते हैं, तो अगर आयुर्वेद में ये माना गया कि किसी भी तरह का स्टोन हो, तो इसकी दो पत्ती खाली पेट सुबह हम खाते हैं तो वो स्टोन डिजोल्व हो जाता है और हमारी प्रॉब्लम, जो पथरी वाली प्रॉब्लम है, स्टोन वाली प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है। तो आज मैं इस प्लांट को ही आपको लगाना बताऊंगी। और लोग ये भी मानते हैं कि अगर वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें भी ये पत्ता बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसका टेस्ट कुछ खटास लिए हुए होता है, तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। अगर इतना इतने सारे ढेर सारे इसमें गुण हैं, तो हमें इस प्लांट को अपने घर जगह जरूर देनी चाहिए। इसमें हमें ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर कम धूप आती है, आपके पास ऐसी जगह आपके पास धूप नहीं आती है, बहुत ही कम आती है, तो उसमें भी ये अच्छे से चल पड़ता है। और अगर तेज़ धूप में रखते हैं तो भी ये अच्छे से चल पड़ता है, ये किसी भी तरह से चल पड़ता है। तो आज मैं इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। वैसे तो मैंने जो एक वीडियो बनाया था कि सुकुलेंट प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है, तो उसमें मैंने ये मैं दिखा चुकी हूँ, बट आज मैं स्पेशली पत्थर चट्टा के ही बारे में बात करूँगी। तो इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी, चाहे बड़ी पत्ती लीजिए चाहे छोटी पत्ती लीजिए, ऐसे आप एक पत्ती तोड़ लीजिए। ये हमने इसकी एक पत्ती ये निकाल ली, चाहे आप बहुत बड़ी पत्ती भी कैसी भी ले सकते हैं। और करना क्या है आपको, सिंपल ये मिट्टी को इस तरह से करके, आप दो चार पत्तियां और भी रख सकते हैं, आपको जितने भी प्लांट्स चाहिए, बस आपको पत्ती को ऐसे रख देना है, ये आपने रख देना है। और इसमें हर रोज शाम को या सुबह ऐसे हल्का छिड़काव कर देना है, पानी ऐसे हल्का डालना है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो पत्ती आपकी पानी रुकेगा, सड़ भी सकता है, ऐसे रख देना है। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद इसके साइड साइड में, जो इसके एजिस है ना, ये कोने हैं इसके, इनमें साइड साइड में प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। पर ये जो पत्ती है वो मिट्टी के संपर्क में ऐसे रहनी चाहिए, ये इसका लगाने का तरीका हो गया। तो मैंने इस तरह से ये लगाई हुई है, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने लगाई है ये पत्ती, मैंने ये पत्ती देख रहे हैं आप, ये इसको मैंने मिट्टी में डाल दिया था, ये मिट्टी में ऐसे डाल दिया था। और ये जो प्लांट तैयार हुआ है ये इसी में से तैयार हुआ है, इस पत्ती में से तैयार हुआ है। और एक मैंने पत्ती ये इस तरफ लगा दी थी, ये इस तरफ, ये देख रहे हैं आप, ये
ये देख रहे हैं, और इसमें भी ये प्लांट बन गया है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे ग्रो करना है। तो आप अब मेरे को ये प्लांट बन गया है, मेरे ऑलरेडी इसमें प्लांट्स हैं, तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था इसमें। तो अब मैं इसको उखाड़ लेती हूँ, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, ये मेरा ख़राब ना हो जाए प्लांट। तो इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती, चाहे आप छोटी बोतल में लगाइए, चाहे इस पॉट में कितने सारे मेरे प्लांट लगे हैं तो भी कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और जो मैंने बोतल में ग्रो किए घर में, तो उनको मैं काफ़ी दिनों तक, जैसे 6-6, 7-7 दिनों तक पानी नहीं देती हूँ, और उसके बाद देती हूँ। इसकी रूट्स ना बहुत फैल गई हैं, लगता आराम से निकालना पड़ेगा मेरे को, बहुत फैल गई हैं इसकी रूट्स, तो बहुत जल्दी ये फैला ये प्लांट ना। ये और भी प्लांट सब अपने साथ लेके आ रहा है, ये तो टूटी गई पत्ती निकली गई। तो ये देखिए आप कितनी रूट्स इसने बना ली, ये दूसरा प्लांट भी साथ में आ गया। इसको मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये चाहे आप छोटी बोतल में लगाइए, इसको ज़मीन में लगाएंगे तो कुछ टाइम के बाद ये खुद फैलना, बहुत सारा फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसे बन गया था, तो यहाँ मैंने पत्ती लगाई हुई थी, तो पत्ती के साथ ही ये पत्ती ये देखो निकल आई है। बस आपने पत्तियाँ ऐसे ही रख देनी है, तो ये कहीं से भी ये निकल आता है, ये साइडों साइडों में कहीं से भी ये निकल आएगा। जैसे ये पत्ती टच हो रही है, ये वाली बड़ी पत्ती इसमें ये बना हुआ है। तो ये फिर जब आपका ये प्लांट्स इस तरह से तैयार हो जाते हैं तो आप कहीं भी इसको ग्रो कर दीजिए। तो मैं ये खाली एक बोतल पड़ी है इसमें लगा लूँगी, मिट्टी मेरी ये मॉइस्ट है और इसमें ड्रेनेज होल मैंने दे रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लगा लूँगी। तो ये इसकी पत्तियाँ खूब सारे अच्छे से फैल जाती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं, तो ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं केयर करनी पड़ती। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये प्लांट मेरा मैंने छत पे रखा हुआ था, और ये बाकी भी मेरे ना प्लांट सारे हिल गए हैं, इसको भी मैं निकाल के कहीं लगाऊंगी कि ये इतना फैल रहा है कि बाकी वाले प्लांट्स को भी ये ख़राब ना कर दे। तो छत पे जैसे ये धूप में पड़ा है, और धूप में मैं फिर इसको हर रोज़ थोड़ा सा पानी इसमें डाल देती हूँ, मैं मिट्टी से दबा देती हूँ, इसमें हर रोज़ मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और अगर पानी आप रोज़ इसमें डाल देते हो तो भी इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 6-7 दिन इस प्लांट को पानी नहीं देते हो तो भी इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये बोतल में, छोटी सी बोतल में ये हमारा प्लांट लग गया, और इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, चाहे छाया में रखें, चाहे थोड़ी सी धूप आती हो, चाहे धूप में रखें, तो किसी भी तरह से ये चल जाएगा। तो ये देखा आपने कि ये प्लांट लगाना बहुत ही आसान है, और ये खूब सारा फैलता है, इसमें खूब सारे बुशी प्लांट हो जाता है। तो अभी तो ये कुछ टाइम पहले मैंने लगाया है, तो इसकी ग्रोथ होना भी स्टार्ट ही हुई है। तो अगर आप बोतल में लगाओगे तो बोतल में थोड़ा ये कम फैलेगा, कम जगह मिलेगी तो कम फैलेगा, और अगर आप खूब खुली जगह में इसको लगाते हो तो ये खूब फैलता है। तो मैं अब आपको एक बात और आपसे क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे भाई बहन किसी को अगर स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो सोचें कि मैं इसमें बता रही हूँ कि स्टोन के लिए इसका ऐसे इस्तेमाल करते हैं। खाने से पहले इस प्लांट को, खाने से पत्तियाँ खाने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर ले लें, क्योंकि स्टोन जो बनता है जब शरीर में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो उस कारण शरीर में स्टोन बनता है, जब पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं उससे भी स्टोन बनता है, तो वो कैल्शियम ही होता है। तो कैल्शियम ज़्यादा बनने से जमा हो जाता है तो स्टोन बनता है,
अगर हम इस पत्ती का सेवन करते हैं तो उसके साथ फिर हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, तो ये आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो अगर जब भी आप इस पत्ती का अगर सेवन करना चाहो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो पहले आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर ले लें। तो ये मेरी जो पत्ती थी, मैंने पत्ती लगाई थी, तो ये उससे ये प्लांट इतना बड़ा तैयार हो गया, ये लगी हुई है, ये इसको भी मैं कहीं लगाऊंगी। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इस प्लांट को मैंने बोतल में भी ग्रो किया हुआ है और उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने ये बोतल में लगाया, ये देखो, ये ठीक से दिख नहीं रहा, यहाँ मुझे लग रहा कि लाइट पड़ नहीं रही है। इस तरफ दिखाती हूँ, जो मैं इस तरफ है ये बोतल में, ये सोडा बोतल देख रहे हैं आप, ये ऐसे लगाया हुआ है, ये देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, ये ग्रोथ देख रहे हैं आप कितनी अच्छी हो रही है। तो आप बोतल में इस तरह से इसको लगा सकते हैं और कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए, इस जगह में मेरे धूप नहीं आती है। और मैं 5-5, 6-6 दिन इस प्लांट को पानी भी नहीं देती हूँ, तो भी इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो रही है। और इसके साथ मैंने ये एक ये प्लांट भी लगा दिया हुआ है, क्योंकि इसको भी पानी की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें मैंने तीन, एक और मैंने ये कैलन कोई का ये एक लगा दिया हुआ, ये भी चल रहा है। इन तीनों को जो है, इन तीनों जो सुक्यूलेंट मेरे प्लांट्स हैं, इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने एक इस बोतल में इनको ग्रो कर दिया हुआ है। ये देख रहे हैं आप किस तरह से, ये देखो कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है बोतल में, ये ऐसे इसकी ग्रोथ हो रही है बोतल में, बहुत अच्छी तरह से हो रही है, ऐसे आ रहा है। तो इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। और ये जो है आयुर्वेद में इस प्लांट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। तो अपने घर में आप इसे ज़रूर जगह दीजिए, चाहे तो क्यारी है आपके पास छोटी सी, उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, पर ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और जब ज़मीन में लगाओगे तो बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है देने की। तो मैंने कई घरों में जैसे देखा है, एक आधा प्लांट लगाया बाहर, इतने सारे फैल गए हैं, वो पानी भी नहीं देते हैं और ये पूरी पूरी की पूरी ज़मीन के आगे फैलते ही जाते हैं, फैलते ही जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है ये मेरा प्लांट, पत्थर चट्टा का प्लांट देखा आपने कितना अच्छा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। तो ये इस प्लांट को भी मैंने यहाँ इस बोतल में पत्ती से ही लगाया था, पत्ती मैंने इसकी डाल दी थी और पत्ती से ही लगाया था। तो मैंने इसको दीवार में ये हैंग किया हुआ है और ये मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से ये आप एक छोटा बोतल ले लीजिए और इसमें ये प्लांट लगा दीजिए। तो आप होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन इस प्लांट को लगाना चाहते होंगे तो वो इस प्लांट को लगा सकते हैं, चाहे बड़े पॉट में लगाइए, चाहे छोटे पॉट में लगाइए, चाहे तो आप क्यारी में लगा सकते हो, कहीं भी इसको ग्रो कर सकते हो। तो ये बहुत ही आराम से इसकी ग्रोथ होती है, इसकी रूट्स भी बड़े आराम से बनती हैं। अगर आप पत्ती से नहीं इसको लगाना चाहते तो ये स्टेम कटिंग से भी ईजिली लग जाता है, सारी तरह से लग जाता है। और अगर इसके बहुत सारे प्लांट्स बन गए हैं जैसे मैंने लगाना सिखाया, उस तरह से रूट्स के साथ निकाल के भी आप इसको कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगी। धन्यवाद जी।